वृंदावन के फेमस संतों की बात हो और प्रेमानंद जी महाराज की चर्चा ना हो, ऐसा असंभव है। प्रेमानंद महाराज की गिनती राधा रानी के परम उपासकों और देश के मशहूर संतों में होती है। हमेशा पीले वस्त्रों को धारण करे रहते हैं। आपने भी प्रेमानंद महाराज को आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सत्संग करते या फिर भक्तों को ज्ञान देते हुए देखा होगा। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं और उनके आश्रम कैसे पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक गाँव में हुआ। हालांकि 13 साल की अल्पायु में ही प्रेमानंद जी महाराज ने घर का त्याग कर दिया था। इसके बाद वो कानपुर से सीधे वृंदावन आ गए, जहां पर वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते और उनका आनंद उठाते। यही वो जगह थी जहां से प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा शुरू हुई। राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ने के बाद वो श्री गौरंगी शरण जी महाराज की सेवा में लग गए। हालांकि अब प्रेमानंद जी महाराज की उम्र 60 बरस बताई जाती है। दोनों किडनी फेल होने के बाद भी वो पूरी ऊर्जा के साथ राधा रानी की भक्ति की उपासना करते हैं और भक्तों को भी यही सलाह देते हैं। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं और उनकी गुरुवाणी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आपको वृंदावन आना होगा। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट वृंदावन रस महिमा या फिर 0886898572 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप राधा केली कुंज के बाहर सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तो वहां आपको 2:30 से 3 बजे सुबह पहुंचना होगा। हालांकि सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको टोकन हासिल करना होता है और ये सुबह 9:15 बजे से लेकर 10:15 तक राधा केली कुंज में मिलता है। इस दौरान आपको भक्तों की लंबी चौड़ी लाइन लगी मिलेगी जो महाराज जी के दर्शन करने आती है। वेबसाइट के मुताबिक आप प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम रात 8 बजे तक जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।